Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all are fine. Today is our topic of Business Studies Class 12 series, Taylor's Principles of Scientific Management. Taylor's Principles of Scientific Management. As you know, this Taylor is the father of scientific management. This is known as the father of scientific management. He has given certain principles how you can increase the efficiency, how you observe the things, how you can get the more and more organizational efficiency among the workers. The managers can help themselves while taking decision with the following of that this scientific principles of management. Now today the first is sinus not rule up thumb. Sinus jo hai ye not rule up thumb hai. Ye wo rule up jo rule up thumb jo hai wo ye nahi hai sinus. Ye rule up thumb kya hai? So in order to increase the organizational efficiency, हमारे पास जो organization है उसकी efficiency को हम बढ़ा सकते हैं when we follow the principles of scientific management by F.W. Taylor. पहला इसका जो है sinus not rule of thumb. Sinus जो है scientific, sinus means through observations, through experiments. You can do the work by sentence. We can save the time. You can get more and more this benefit. You can get more and more target which you are going you have to capture. That means sinus. It is not rule of thumb. It is not rule of thumb. जो हम rule of thumb कहते थे पहले जमाने में जो अनपढ़ होते थे तो उन दिनों इतने मतलब तरक्की याफ्ता कौम नहीं थी, इनके पास इतने टेक्निक्स नहीं थे, इनके पास इतनी साइंटिफिक जानकारी नहीं थी. तो जब लेटेस्ट जो जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है जो इस F.W. Taylor ने ये कहता है पहला ही sinus not rule of thumb. तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की इनकी ये जो एफिशिएंसी बढ़ानी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब जो रूल ऑफ थंब है जो रूल ऑफ थंब है तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर उसको आप उसके बदले में आप क्या कर सकते हो बाय द मेथड्स डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस जो मेथड्स जो अडॉप्ट किए हैं साइंटिफिक टेक्निक्स के जरिए से साइंटिफिक साइनसी तौर तरीके से जो एनालाइज की गई है कि किस तरह से हम वर्क को इंक्रीज कर सकते हैं उसमें टाइम लेस लगेगा लेकिन साइंटिफिक तरीके थ्रू एनालिसिस थ्रू ऑब्जर्वेशंस थ्रू सीइंग द वर्क वही कहता है मेथड इज डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क. तो हम जो काम कराते हैं कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ये अगर ये जो इंक्रीज हमें करनी है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है देखनी है तो हमें रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट इसके बदले में हमें क्या करना है हमें साइंटिफिक वेज एंड साइंटिफिक टूल्स अपनाने हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है बाय मेथड्स डेवलपिंग थ्रू साइंटिफिक जो जो मेथड्स है डेवलप्ड किए हैं बताए गए हैं थ्रू साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किए गए हैं ऑफ वर्क. Decision should be taken on scientific basis. जो हमें decision लेना है जो हमें decision लेना है वो हमें scientific तरीके से लेना है. Work should be analyzed and observed. Work को हमें देखना है. ये पहले था rule of thumb कि आपने बताया दो आदमियों को करो वो काम लेकिन कोई देखने वाला नहीं था. तो जब ये इसने ये प्रिंसिपल दिए ये बताता है आपको कि डिसीजन शुड बी टेकन ऑन साइंटिफिक बेसिस. जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आपको साइंटिफिक बेसिस पर लेना है. वर्क शुड बी एनालिसिड एंड ऑब्जर्वड. वर्क जो है वो आपको एनालाइज करना है वो देखना है वो परखना है. मिसाल के तौर पर अगर आपको आयरन शीट्स जो है आयरन शीट्स है लोड करना है इनको फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू टेलर बता देता है इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी even a small production of activity while loading iron sheets into boxes while loading to load kata iron sheets inko boxon mein dala jata hai iron box into iron sheets into box cars can be scientifically jo iron sheets hai iron jo sheets hai inko box cars mein डालना है लेकिन इसको आप साइंटिफिक तरीके से अगर मतलब वो अगर आप साइंटिफिक ये टेक्निक्स टूल्स उनको आप उस तरीके से इन आयरन शीट्स को बॉक्स कार्स में उनको भरना है तो इसको आप साइंटिफिकली
प्लान कर सकते हो, दिस विल हेल्प यू। तो ये आपको क्या करेगा, इससे आपका जो टाइम है वो बचेगा, इससे आपका जो टाइम है वो क्या बच जाएगा। अगर आप मैनुअली उसको करें, अगर आप मतलब मशीनरी चलाएंगे साइंटिफिक तरीके से उन आयरन शीट्स को या आयरन शीट्स को किन में बांटा है, बॉक्स कार्स में, तो इट कैन बी डन थ्रू साइंटिफिकली प्लान्ड, यानी इसको हम साइंटिफिकली प्लान कर सकते हैं किस तरह से। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एज वेल एज ह्यूमन एनर्जी। तो उसको उससे क्या हो जाता है, एक तो ह्यूमन एनर्जी बढ़ सकती है अगर हमारे पास मशीनरी होगी, तो उसके जरिए से हम जो साइंटिफिकली प्लानड है, जो साइंटिफिकली जो मेथड है, जो साइंटिफिकली जो टेक्निक है, उसके जरिए उसके तरीके से अगर हम उसको भर सकते हैं, तो इससे हमारा क्या है, एक तो हमारा टाइम बच जाएगा, पहला तो हमारे टाइम बच जाएगा, और दूसरा जो ह्यूमन एनर्जी लगती है, जो ह्यूमन ताकत लगती है, वो भी कम लग सकती है, वो भी कम सकते, वो जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन पहले का साइंटिफिकली दैट द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू आवर प्लान और नॉट। हाँ, इफ वी कैन नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स, इफ वी डू द थिंग्स रूल ऑफ थंब, देन वी कैन नॉट अचीव द टारगेट, वी कैन नॉट डू द वर्क। इफ देयर इज अ साइंटिफिक टेक्निक्स, वर्क should be observed, work should be analyzed, so that our organizational objective can be achieved. This principle is concerned with selecting the best way. This principle कि आपको best select way through scientific approach वो adopt करना है आपको, तो जिससे आपकी organization की जो efficiency है वो बढ़ सकती है, वो बढ़ सकती है। ये तो नहीं है कि वो मतलब ये सिचुएशन है हिट एंड ट्रायल मेथड्स आपको करें, हिट या ट्रायल मेथड्स इसको कितना, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली ये हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। हिट एंड ट्रायल, उसको हिट करना है, कोशिश करना है बार बार बार, लेकिन अगर हम इसमें साइंटिफिक तरीके से अपना वो काम करोगे तो वो हमें जो टाइम है वो हमें बच जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती होता है। वर्क शुड बी एनालिसिड, वर्क शुड बी दिस ऑब्जर्वड थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। दिस इज द फर्स्ट दिस प्रिंसिपल विच वॉज यून बाय एफ डब्ल्यू टेलर। वो वर्क शुड बी डन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वेज, work should be analyzed through the decision should also be taken on the scientific basis, work should be analyzed, when we analyze the work how much time it will take, when we plan the things through scientific way we can achieve the organizational objective, because Taylor has given this, he has worked, he was a mechanical engineer in the industry, when the industrial revolution, he has experimented, he has observed the things that the work should be done in the scientific way, so that our time can be saved and also the human energy can be saved. So next is harmony not discord. Harmony not discord, इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मनी अमंग द वर्कर्स, देयर शुड बी द कंप्लीट हार्मनी अमंग द वर्कर्स। तो टेलर ने इस पर जोर दिया है कि देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मनी अमंग द वर्कर्स, दैट मैनेजमेंट, इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू, इफ देयर इज ऑलवेज देयर इज व्हेन देयर आर वेरियस दीज एम्प्लॉइज, व्हेन देयर आर वेरियस वर्कर्स, देयर इज always there is possibility of conflict, but when there is a corporation there is less chances of conflict among the workers. It will not benefit if there is a conflict between the employees and the workers, it will affect both management as well as workers. इसने इस पर जोर दिया, there should be a complete harmony among the workers, there should be a complete harmony among the workers. If there is any conflict, this conflict can be solved. This should be solved. When there is a conflict, it is not the best way, or it is not benefited for either for the management or the workers. Both the management and the workers should realize the importance of each other. Both the workers, both the these parties, one is management and the workers, both are important. When there are workers, there is management. When there is management, there are workers. Both are important and each
Both the management and the workers should realize the importance of each other. In order to achieve this state, Taylor suggested a complete mental revolution on the part of both management. There is a mental revolution. Mental revolution in the minds of management and the workers. If there is any problem from the side of these workers, management should consider that. Management should consider that. If there is any decision that is to be implemented by the workers, both the parties should cooperate each other. When both the parties are cooperated, the work can be done in such a way that our organization objective can be achieved. Taylor suggested that complete mental revolution on the part of both management and the workers. दोनों के मतलब खुले जहन से दोनों काम करने चाहिए, मैनेजमेंट भी और दूसरा क्या है वर्कर्स भी. इट मीन्स दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द आउटलुक ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. मैनेजमेंट को किनका ख्याल रखना है, वर्कर्स का, और वर्कर्स को मैनेजमेंट की जो प्रोडक्शन उनको करनी है, जो काम उनको करना है, उसको देखना है कि मैनेजमेंट किस तरह से मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए. इस टेलर ने ज्यादा से ज्यादा इसी पर दिया है वो. देयर शुड बी द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय वर्कर्स. देयर शुड बी मैनेजमेंट शुड नॉट हार्श टुवर्ड्स दीज वर्कर्स इट बिकम्स पॉसिबल शेयरिंग अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स. शेयरिंग ए पार्ट ऑफ सरप्लस. अगर कोई सरप्लस है तो वो शेयर कर, कोई ऑर्डर लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो शेयर कर किन के साथ करना चाहिए, वर्कर्स के साथ. वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए. डिवीजन ऑफ वर्क, देयर शुड बी ए डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द वर्कर्स. देयर शुड बी ए टीम स्पिरिट पॉजिटिव एटीट्यूड, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सिंसेरिटी एट्सेट्रा. मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी रेडी दैट द गेन्स ऑफ द कंपनी with the workers. When there are workers, there is a company. When there is a workers, if there is a complete harmony, if there is a complete mental revolution among management and workers, the work can be done in such a way that our organizational objective can be achieved. Well, management also should always be ready to share the gains of the company with the workers, and later should provide their full cooperation and hard work for achieving organizational goals. When he shares the gains with workers, the workers can work with zest and zeal so that the organizational objective or organization goal will be achieved. When there is a complete harmony among management and workers, this principle requires that there should be a perfect understanding. इसका मतलब है, there should be a perfect understanding between the two, management and workers. Both should feel that they are part of the same family. दोनों को ये चाहे कि वो ये कहे कि they are the part and parcel of the same family. It helps to produce synergy effects since both management and workers in the organization. For example, the most आपको पता है कि एक मतलब ये एग्जांपल दिए है. इन मोस्ट ऑफ द जापानीज कंपनीज स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस एंड देयर इज अ कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. यानी खुले जहन से जापान में जो तभी वो मतलब मुल्क प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, जहां पर दोनों मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं वो खुले जहन से काम करने चाहिए. यूजुअली वर्कर्स डू नॉट गो ऑन स्ट्राइक. वहाँ जहां पर कॉपरेशन होती है, जहां पर उनके इंसेंटिव होते हैं, उनको दिए जाते हैं, वो दे के नॉट गो टू द स्ट्राइक. नेचुरली दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द मैनेजमेंट. वो आपने जो जापान में है वहां पर मेंटल रेवोल्यूशन है. दोनों को दोनों के लिए खुले जहन से काम करते हैं. कि यही वजह है कि वो मतलब हड़ताल पर नहीं जाते, स्ट्राइक पर नहीं, क्योंकि उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उस तरीके से वो काम भी अच्छे तरीके से करते हैं. दैट इज बेनिफिटेड फॉर
फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेनिफिट फॉर द मैनेजमेंट. वो मैनेजमेंट को भी ये सोचना है और वर्कर्स को भी सोचना है कि हम काम करते हैं कि हमें ये काम ठीक तरह से होना चाहिए, और मैनेजमेंट को ये कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम अमंग द दीज वर्कर्स दे हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, दे हैव टू सॉल्व द इस प्रिंसिपल. दिस टेलर ने जो सेकंड प्रिंसिपल दिया हार्मोनी नॉट डिस्क, इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते. देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मोनी, देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मोनी अमंग द वर्कर्स. There are the two parties, one is management, one is workers, but there should be a complete mental revolution between these two. This was the second principle of scientific management by F.W. Taylor. तो इंशाल्लाह रहमान कल हम पढ़ेंगे तीसरा, ये जो है मतलब इसका principle है वो है mental revolution. क्योंकि आज हमने दो पढ़े हैं, साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, और दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो टॉपिक है समझ आया होगा. शुक्रिया.